गाइस, अगर मैं आपको ये कहूं कि फॉक्सवैगन पोलो वापस आ रही है तो क्या कहोगे आप? मतलब इस पे क्या आपका जो है वो निर्णय रहने वाला है? क्या आप वेट करने वाले हो या आपको जो है वो अभी भी फॉक्सवैगन की और गाड़ियां या फिर उस सेगमेंट में आने वाली और गाड़ियों पे ध्यान अपना आकर्षित करना पड़ेगा? अच्छी बात यह है कि जो है वो ट्रेडमार्क फॉक्सवैगन के तौर पर जो है उसको शायद दोबारा से रिन्यू किया जाएगा 2026 तक, तो वो वैलिड है। लेकिन ये जो ट्रेडमार्क है वो अभी तक हैचबैक के ऊपर ट्रेडमार्क था, लेकिन फॉक्सवैगन जो है वो इस बार पोलो को एज एन एसयूवी के तौर पे उतारने वाली है। बट ये होगा कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कोई नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है या जिसकी अभी तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसके बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार ऐसी एसयूवीज जो एक्चुअली आने वाली है, एंड दोज आर एक्चुअली वर्थ कंसिडरिंग, उनका वेट किया जाना चाहिए। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज द स्कोडा काइलैक। अब जो स्कोडा काइलैक है वो 1.0 TSI के साथ में आएगी। 1.5 TSI अगर उसमें आ जाता तो बेहतर होता, बट ऑब्वियसली फॉर टैक्स, अगर जब हम टैक्स के बारे में बात करें तो पेट्रोल का अगर आप सब 4 मीटर एंड 1.2 के नीचे नीचे की अगर आप इंजन खरीदते हो तो उसके ऊपर टैक्स रिलैक्सेशन है। यही रीजन था कि EcoSport जब 1.5 के साथ में आई थी, जब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आई थी, तब उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, एंड उस टाइम पे 8.5 लाख रुपए में बेस वेरिएंट पड़ता था। ये रीजन था उसका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना, जबकि उस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां थी वो काफी छोटे अमाउंट पे आ जाती थी। अब इसका लूप होल सबसे बेस्ट क्या है, आए पे एक छोटा इंजन लो, उसमें टर्बो चार्जर लगा दो, पावर आपको उतनी मिल गई लेकिन साइज छोटा हो गया। और अब जरा बात कर लेते हैं कि काइलैक जो 1.0 लीटर TSI इंजन के साथ में आएगी। इसके साथ में आप ऑब्वियसली टॉप कन्वर्टर यूनिट देखोगे, जैसे कि आप ऑलरेडी स्कोडा स्लाविया के अंदर देखते हैं, फॉक्सवैगन टाइगन के अंदर देखते हैं, कुशाक के अंदर देखते हैं, या फिर आप फॉक्सवैगन वर्टर्स के अंदर देखते हैं। बट देयर इज अ ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट ये है कि ये 4 मीटर के अंदर गाड़ी आएगी, दैट मींस इट इज गोइंग टू कम्पीट विद टाटा नेक्सॉन XUV 3XO, ऐसी गाड़ियों के साथ में कम्पीट करेगी जो ऑलरेडी इस मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। मतलब छोटे प्राइसेस से ही अगर आप देखो, यहाँ पर 6 लाख से या मैग्नाइट स्टार्ट हो जाती है, काइगर स्टार्ट हो जाती है, एंड इट इज गोइंग अप टू मतलब XUV 3XO अगर आप देखो, या सबसे महंगी मुझे लगता है यहाँ पर ब्रेजा, आई थिंक दैट इज द कार जो सबसे एक्सपेंसिव अभी फिलहाल है, उसकी एंट्री सेगमेंट जो है वो प्राइस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है फिलहाल, अगर हम XUV 3XO के बेस वेरिएंट को हटा दें तो वो भी काफी महंगी पड़ जाती है, जिसकी डिलीवरी जो है वो महिंद्रा नहीं दे पा रही है फिलहाल। तो ये इन गाड़ियों के साथ में जो है वो यहाँ पर कम्पीट करेगी, कुछ स्कोडा कुशाक सॉरी काइलैक, एंड सब 4 मीटर होगी जैसे कि हमें पता है, और देखते हैं किस तरीके से जो है वो इस प्लेटफॉर्म को रीडिजाइन किया गया, इसको ट्वीक किया गया कि ये छोटे प्लेटफॉर्म के साथ छोटा प्लेटफॉर्म भी बन जाए, उसके ऊपर जितने में ये चीजें हैं वो अकोमोडेट कर सकें, इंजन वगैरह सीट्स वगैरह जो है वो ढंग से लाइन की जा सके। वैसे काइलैक के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो वो अभी आप वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे दिवाली के बाद में ही उसकी, और अभी भी आ ही रही हैं उसकी वीडियोस और आप अनवील होते हुए देखोगे, लेकिन उसका जो लॉन्च है आई थिंक वो ऑटो एक्सपो के टाइम पे होगा, फरवरी या जनवरी के आसपास, अभी हाल फिलहाल में तो कुछ नहीं। फॉक्सवैगन जरूर इसको जो है कंसिडर करने वाला है एज पोलो, और वो जो है वो एसयूवी के तौर पे यहाँ पर आएगी, एंड दिस वुड बी द सेम कार विच इज स्कोडा काइलैक ऑब्वियसली। तो पहले स्कोडा निकालेगा फिर निकालेगा फॉक्सवैगन, तो ये कहीं ना भाई बहुत बुरा लगता है जब एक ऐसे ट्रेडमार्क पोलो को जैसे नाम को जो है वो आप री लोकेट कर देते हैं, या मैं कहूं कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह चिपका देते हैं, क्योंकि एक हैचबैक है पोलो और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है उस गाड़ी की, एंड एंथुजियास्ट लेवल को एक सर्टेन लेवल ऊपर जो है एक स्टेप आगे बढ़ाने में जो है वो काफी मदद करी है उस गाड़ी ने। मतलब जहां पर हम नर्सरी क्लास में होते हैं तो उसने उठा के सीधा हमें 4th-5th class पे रखा है, वो ऐसी गाड़ी थी, तो लोगों ने उसके उसके करेक्टर को जाना है, वो स्टेबल रही है, आप कितना भी एग्रेसिवली रेव करो उसको वो हमेशा से GT स्पेशली वो हमेशा से आपके सपोर्ट में रहती थी। भाई मेरे को 150 पहुंचाना तो मैं लायक हूँ कि मैं तुमको 200 की स्पीड तक पहुंचा दूँ। वो क्रश मेंटेलिटी जो हमारी रही है उस गाड़ी को लेगी, बड़े हो गए भाई पोलो खरीदनी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो लोग इस अटैचमेंट से आप थोड़ा दूर होंगे। वो तब भी हुई थी जब टाटा की सफारी आई थी, और टाटा की सफारी फ्रंट व्हील ड्राइव दे दी थी, उसमें कोई
4x4 मैकेनिज्म नहीं था तब भी. इनफैक्ट जब हैरियर से उन्होंने 7-सीटर वर्जन निकाला था तब भी लोग के सेंटिमेंट जो है वो काफी हर्ट हुए थे. यहां पर भी मुझे लगता है कि काफी हर्ट होने वाले हैं. बट ऑब्वियसली ये एक ही पेट्रोल इंजन के साथ में आएगी, एक ही ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर की जाएगी. अगर इसके साथ में पोलो को ही आपको रखना है ना, तो मुझे लगता है कि उनको एक एक्सक्लूसिव वर्जन निकालना चाहिए विद अ 1.5 लीटर इंजन. अगर वो कर देते हैं ना, भले लोग उसको खरीदें, लेकिन कम सेल्स होगी डेफिनेटली, लेकिन वो जो एंथुजियास्ट फैक्टर है ना वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा उसके साथ. तीसरी गाड़ी जो है वो दैट इज द टोयोटा फॉर्च्यूनर. अगले साल जो है वो फॉर्च्यूनर, नई जनरेशन नहीं कह रहा हूं मैं, नई जनरेशन अभी अंडर मेकिंग है जापान वगैरह में, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक माइल्ड हाइब्रिड वर्जन जो है वो जरूर आप देखोगे अगले साल तक. तो एक 48 वोल्ट का जो है वो माइल्ड हाइब्रिड ऑलरेडी मार्केट में जो है वो बिक रहा है. एंड वो जो माइल्ड हाइब्रिड है वो माइलेज से ड्रिवन है, एमिशंस कम है, इसलिए जो है वो उसको अगले साल तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा. क्या माइल्ड हाइब्रिड जो है वो सपोर्टिव है? एक्चुअली वो 13 एक हद तक ही सपोर्ट है, वो फुल हाइब्रिड नहीं है, या मैं कहूँगी मैच्योर हाइब्रिड नहीं है. तो इस वजह से क्या होता है कि वो माइलेज एफिशिएंसी जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक हाइब्रिड से, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके पास में छोटा बैटरी पैक होता है, उस तरीके की जो टेक्नोलॉजी नहीं होती जैसे कि हम प्लग इन हाइब्रिड या में या फुल हाइब्रिड में जो है वो देखते हैं, वो वहाँ पर नहीं होती. माइल्ड हाइब्रिड है, माइल्ड का मतलब यही है कि कम हाइब्रिड है, छोटा सा बस एक 48 वोल्ट का जो है वो बैटरी सेटअप लगा दिया गया. तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो आपको रियलाइज होगा कि यार माइल्ड हाइब्रिड से काम बन पाएगा क्या एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने में, एमिशन नॉर्म्स को सेटिस्फाई करने में, वो जरूर लगता है. एनीवे आप इसमें छोटे मोटे ट्वीक्स वगैरह हो सकता है, देख सके हूँ कि अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज हो जाए, या फिर कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, या कुछ स्टिकरिंग आ जाए, ग्राफिकल चेंज आ जाए फॉर्च्यूनर के अंदर, वो तमाम चीज़ें देखते हो. बट कोई फेसलिफ्ट या कोई जनरेशन चेंज ना ना वो तो नहीं होने वाला. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट द ह्युंडई इंस्टर. अब वो जो है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपने इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होते हुए देखे, क्योंकि बहुत छोटी है वो, कॉम्पैक्ट है, पतली सी छोटी सी गाड़ी डेली कम्यूट के लिए जो इंसान निकाल सके, और उसके इंटीरियर्स लोगों को काफी अपीलिंग लगे थे. हालांकि उसके सेकेंड रो में जरूर एक अनएक्सेप्टेबल स्पेस है. तो वो फैक्टर जो मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल रिव्यूअर्स से जान सकूँ, वो ज़्यादा स्पेस तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन डेली कम्यूटिंग के लिए इट कैन बी अ गुड ऑल्टरनेट ऑफ टाटा पंच. यहाँ पे टाटा पंच एक ऐसी गाड़ी है जो अभी अधूरी है, मतलब हम बात करें तो सब 4 मीटर के अंदर ही है, बट उसकी इलेक्ट्रिक वर्जन अभी भी 10 लाख से ऊपर की ही पड़ती है, मतलब 10-10 लाख रुपये से एक शोरूम उसका स्टार्ट होता है एंड इज गोइंग वे अप टू 16-17 लाख रुपीज. तो वहाँ पर जो है वो अंडरकट जरूर कर सकती है ह्युंडई यहां पर, और उसका इलेक्ट्रिफाइड वर्जन का जरूर मुझे इंतजार रहेगा. मुझे उम्मीद है कि वो तकरीबन 356 के किलोमीटर की जो है वो रेंज यहां पे क्लेम करती है, और रियल लाइफ में अगर वो 280 भी देती है तो इट वुड बी अ गुड रेंज कंसिडरिंग कि वो एक डेली कम्यूट कार बन के आएगी यहाँ पे. अब ये छोटी छोटी गाड़ियों का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो इंडिया में धीरे धीरे देखना मार्केट शेयर बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग जनरली जब गाड़ियां खरीदते हैं तो वो यार पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए खरीदते हैं, मतलब अपने ऑफिस से घर चले गए, घर से वापस आ गए. कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बनी ही केवल कम्यूटिंग के लिए, जिनमें से ऑल्टो है, वैगनार है, आप एंट्री सेगमेंट जितनी भी गाड़ियां उनको देखो, वो लॉन्ग डिस्टेंस आप कर सकते हो, मजबूरी हो जाए तो करनी पड़ती है सभी को, या फिर एक ही गाड़ी है तो फिर करनी पड़ती है, लेकिन कुछ गाड़ियां केवल कम्यूटिंग के लिए बनी है. एंड ये जो छोटी गाड़ियां हैं जिनमें से कॉमेट है, रिवा है करती थी, महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, तो वो आर टू क्या नाम था उसका यार, मैं नाम बोल रहा हूँ, एनीवे वो उस तरीके की गाड़ी की इंपॉर्टेंस आप धीरे धीरे करके देखना, इंडिया में काफ़ी ग्रो होने वाली है. एंड अगर वो बास बैटरी एज अ सर्विस के तौर पे आती है इंडिया में, तो फिर तो भाई मुझे लगता है कि बहुत अफोर्डेबल, और लोगों को जो है एटलीस्ट ये फील होगा कि यार ये मेरी कॉस्ट काफ़ी कम कर दे रही है, रनिंग कॉस्ट कम कर दे रही है, ओनरशिप कॉस्ट कम कर दे रही है, एंड मेरे एक्सपेंसिस जो है वो काफ़ी कम कर दे रही है, वो चीज़ ज़रूर आपको यहाँ पर रियलाइज होगी. तो इसलिए ये छोटी छोटी गाड़ियों को हमें वेलकम करना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. हमें लेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें. Until next time, bye bye. Keep doing car, bike, whatever you're having, drive safe.